हाय गाइज, वेलकम बैक टू एम ब्रोज रिएक्शन। गाइज, आज जो मैच था वो भी बड़ा ही कमाल का हुआ, और इस मैच ने भी मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। लास्ट मैच की तरह लास्ट हमने सडन वीडियो बना लिया था पेशावर ज़ालमी और क्वेटा के मैच का। यहाँ पर मैच हुआ कराची और लाहौर लाहौर का, कैलेंडर्स जो कि का। PSL का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच माना जाता है, क्योंकि ये जो दो टीम्स है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जितना मुझे पता है। मैंने पोल डाला था और वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा वोट्स जो मिले थे कराची और लाहौर के ही थे। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये दो टीम है, और इन दोनों के फैंस के बीच में ट्विटर पर जो वॉर चलती है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। और आज का मैच जो लोगों ने प्रिडिक्ट किया था और जो एंड तक लग रहा था वो यही लग रहा था कि कराची जीतेगी, बिल्कुल बट यार, कराची ने टारगेट भी अच्छा सेट कर दिया था, क्योंकि राइट बट डेविड विज ने जो एंड में जो बैटिंग की वो बहुत कमाल की थी। साथ में फखर जमान के 83 और डंक के 50 जो थे बिल्कुल वो भी यार, असल बहुत, उनकी जो में पार्टनरशिप थी, हाँ पार्टनरशिप से ही वो मैच आगे बढ़ा है, क्योंकि 2 विकेट उनके बहुत जल्दी हो गए थे। राइट और फखर जमान ने तो अच्छी बैटिंग की, फखर जमान को सपोर्ट करा डंक ने, और हाँ पार्टनरशिप लगी, जब राइट जाके एंड में विजी फिनिश कर पाए मैच। हाँ। और साथ में मैं ये कहूँगा मोहम्मद आमिर, यार मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ वैसे तो, बट आजकल कुछ दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर रहे हैं अपने फैंस को, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है पहले जैसी नहीं रही है। बिल्कुल और फर्स्ट ओवर में तो 2 विकेट निकल गए थे, और कराची की सॉरी लाहौर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट लास्ट ओवर में जिस तरह मोहम्मद आमिर ने ओवर किया, मुझे लगता है बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया किस्मत ने उसमें। साथ नहीं दिया यार। फर्स्ट बॉल उनकी वाइड यॉर्कर थी, वो एज लगकर चौका चली गई। उसके बाद फिर तीन उनने चौके तो यार उनके बिल्कुल पीछे ही चले एज गए, में ही ऐसा चले गए ना, लग एक रहा था स्लो पीछे किसी ने बाउंसर। बॉल खींचने का मैग्नेट लगा दिया है, बस वो मैग्नेट अपनी बॉल को पीछे खींच ले रहा वही एक है। स्लो बाउंसर किया, वो भी एज हाँ, लग के पीछे चला गया चौके और पर। मुझे ये लग रहा था उस टाइम जब पीछे की तरफ चौके जा रहे थे ना, तब भी मुझे लग नहीं रहा था कि जो है लाहौर जो है जीत जाएगी, क्योंकि मुझे जीतेगी डेविड विज का कोई आइडिया नहीं था कैसे प्लेयर है। और मुझे लगता है यार इतना मिस कर रहे हैं ये, तो मुझे मुझे मालूम, लगता नहीं कि ये बना पाएंगे। लेकिन मुझे जब मालूम उन्होंने था डेविड विजी कैसा प्लेयर बट उन्होंने जब सिक्स है। लगाया तो मुझे लगा कि भाई लाहौर जीत सकती है, लाहौर नहीं, लाहौर असल में है। देखिए डेविड विजी ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, और बैटिंग में यही 7 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, और यही फिनिशर का रोल निभाते हैं, चौके छक्के मारने का काम है बट उनका। यार मोहम्मद आमिर की जो बॉलिंग थी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही। फर्स्ट ओवर में उनके जो मीम्स बन रहे ट्विटर पे वो मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट ओवर मोहम्मद आमिर इन लास्ट ओवर, पर एक इस तरफ मैच में शेर उन्होंने एक बॉलिंग तरफ अच्छी करी। टाइगर सॉरी कैट है। पर इस मैच में उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी, फर्स्ट ओवर में विकेट भी ले गए थे वो, और लास्ट ओवर में भी देखा जाए तो बॉलिंग अच्छी करी उन्होंने, बट बट जो लाहौर किस्मत। के फैंस जो मीम्स बना रहे हैं ना मोहम्मद आमिर के, काफ़ी ज़्यादा फनी है वो। हाँ और मैंने देखे कुछ मीम्स, और कराचियंस के लिए भी काफ़ी मीम्स बना रहे कि सब कराचियंस भाग रहे हैं और ये सब करके, तो वो ट्विटर पे जो इनकी वॉर होती है ना, वो जो देखने वो में मजा देखने में आता है। मज़ा आता है। मतलब ये मैच का असल मज़ा यही है, जिन दो टीम के सबसे ज़्यादा फैंस होते हैं ना वो मैच देखने का ही मज़ा मज़ा लगाता बिल्कुल है। बिल्कुल जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मुझे तो वैसे ही लग रहा था जिस तरह से फैंस जो है ट्विटर पे उनकी वॉर चल रही है आपस में, जो लड़ रहे थे और बिल्कुल कराचियंस काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ा स्कोर बनाया था, बड़ा टारगेट था, बट लाहौर ने वो चेस पर फिर भी करके। मुझे ऐसा लगता है कि यार कराची 15-20 रन से पीछे रह गई, क्योंकि एडमंड के विकेट गिर गए थे और वो हाँ फिर बॉलर्स रन नहीं बना बट पाए। स्कोर फिर भी बड़ा ही था यार, और कराची की बॉलिंग अच्छी है, वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन नहीं, लाहौर की बैटिंग भी बहुत स्कोर कमाल है। बिल्कुल उनकी बॉलिंग अच्छी है, स्कोर भी बड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो पीछे अभी मैं देख रहा था, जो भी बात कर रहे थे वो कौन थे, होस्ट थे वो, जो पीछे वो पूरी पाटा पिच बोलते हैं उसको, और अच्छा वो बैटिंग पिच है। बैटिंग पीछे, बट लाहौर ने फिर उनको कम रन बनाने दिया। तो ये बिल्कुल उन्होंने एंड में रोक दिया उनको यार, विकेट ले लिया उन्होंने, बात वही है वैसे कि तो यार पूरे हाँ टीम वर्क से ही कोई भी टीम बिल्कुल जीतती है, बिल्कुल, ऐसा टीम नहीं वर्क कि बहुत एक प्लेयर इम्पोर्टेंट जिता है, दे, बट हाँ यहाँ पर डेविड विज ने प्रेशर के टाइम पे काफ़ी अच्छी बैटिंग की और बहुत उनको अच्छी। जितवा दिया, ये बहुत अच्छी मुझे बात बिल्कुल लगी। वैसे हम फ़ोन से शूट करें वीडियो तो आपको देखने में अजीब लग रहा हो क्योंकि हम स्क्रीन में देख के बात करें, हाँ कैमरा यहाँ है, अब मैं कैमरे में देख रहा हूँ, मुझे अब रियलाइज़ हुई ये बात, तो उसके लिए सॉरी, हाँ हो सकता है हम आपको अंधे लग रहे मैं भी यार, मैं इधर देख रहा बट था स्क्रीन। गाइज़
जो भी था मैच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था, बहुत एंजॉय किया अच्छा हमने, मैच था, इंटरेस्टिंग मैच था, बिल्कुल लास्ट भी तक मिस नहीं गया किया मैच का कोई भी और पॉइंट। मतलब और फखर फसल जमान मैच की था। इनिंग जो थी बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग करी उन्होंने, मजा आ गया देखकर। फखर जमान की फॉर्म लग गई है, अगर वो अपनी फॉर्म कंटिन्यू करेंगे तो आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। राइट, सो गाइज यही था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा रिएक्शन इस मैच को लेकर। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अच्छे लगे तो कर देना लाइक शेयर और चैनल चैनल को को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक मेक लव लव नॉट नॉट वॉर। वॉर।